आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज मैं आप सभी से मेरे यहाँ के दोपहर का लंच शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना और बहुत ही सिंपल तरीके से बना के मैंने तैयार किया है, झटपट से बन के तैयार हुआ है। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक मसूर दाल, थोड़ी सी ले लिया है मैंने उड़द वाली छिलके वाली, फिर थोड़ी सी मैंने ले लिया है अरहर की दाल। फिर इसको हम अच्छे से धो लेंगे। मिक्स दाल बना रही हूँ आज मैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छे से धो ली हूँ, फिर कुकर में डाल दे रही हूँ। सभी को कुकर में डाल दी हूँ मैं। फिर इसमें इधर देखिए एक टमाटर, दो टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन छील ली हूँ। इसको अच्छे से धो लेना है। अच्छे धोने के बाद टमाटर को बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ मैं, प्याज को भी बड़े बड़े पीस में कट करना है। लहसुन को आप साइड ही डाल सकते हैं, इसको कट करना चाहे तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज एकदम मैं एकदम बारीक नहीं कट करी हूँ, क्योंकि दाल में सीटी लगता है ना, तो प्याज इजीली गल जाता है। टमाटर भी इसीलिए बड़े बड़े कट किए हूँ क्योंकि टमाटर भी अच्छे से गल जाता है, अगर आप खड़ा भी डालेंगे ना तो भी गल जाएगा। फिर इसमें डाल दे रही हूँ मैं नमक, साथ में हल्दी, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च थोड़े से कलर के लिए, मैं दाल तीखा नहीं बनाती हूँ। फिर इधर देखिए गैस ऑन कर ली हूँ मैं, फिर रख दी हूँ, फिर ढक्कन लेके मैं इसको ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 सीटी आने दूंगी। फिर इधर से मैं 2 से 4 परवल ली हूँ, इसको अच्छे से धो ली हूँ, दो दो हिस्से में कर ले रही हूँ। आज बहुत ही सिंपल तरीके से और टेस्टी खाना बना रही हूँ ना, तो झटपट से बन के तैयार भी हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। तो नमक डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बेसिक जो मसाला है ना, जो आपको पसंद हो वही डाल दीजिएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर ली हूँ कढ़ाई, चढ़ा दी हूँ गैस में, इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी तेल। फिर इसमें आप सभी परवल को डाल देंगे और उलट पलट करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम को भी हाई रखी हूँ, फिर लो कर देंगे। फिर इसको हम उलट पलट करके अच्छे से सेक देंगे, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम तेल में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है ये परवल, बहुत ही टेस्ट लगता है। इधर देखिए मेरा होममेड पनीर है, इसको मैं एकदम बारीक बारीक से कट कर ले रही हूँ। इसके पनीर की भुर्जी भी बनाऊँगी साथ में, मसाला बना बनाती तो टाइम लगता है, इसलिए मैं भुर्जी ही बना रही हूँ। और साथ में एक प्याज कट कर ली हूँ, और उधर देखिए दाल भी बन गई है तो डाल दी हूँ, और उधर देखिए परवल भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से एकदम सीख गया है। फिर दूसरी कढ़ाई में तेल ले ले रही हूँ, थोड़ी सी जीरा, जीरा को चटकने पर प्याज और ये हरी मिर्च काटी थी ना उसको डाल देना है। फिर इधर देखिए थोड़ा सा भून जाएगा ना प्याज, तो इसमें हम डाल देंगे ये पनीर को। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फिर डाल देंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी बेसिक मसाला है ना वही मसाला डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। कम से कम आपको पनीर की भुर्जी बनाने के 5 से 6 मिनट लगेगी, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगी। फिर इधर देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, अगर आप हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल दीजिएगा, मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया है और गैस बंद करके रखती हूँ। दूसरी साइड सब्जी बन गई है, और देखिए एक कुकर ले ली हूँ, इसमें चावल धो के डाल दे रही हूँ मैं, और ये मतलब कि गैस को खाली नहीं रखना है, झटपट से बनाना है। तो देखिए चावल धो के गैस पे रख दी हूँ, और इधर देखिए दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तब तक इसको दाल को भी मैश कर ले रही हूँ मैं, देखिए इस तरह से अच्छे से मैश कर ली हूँ। और दूसरे गैस पे रख रही हूँ एक बर्तन, उसमें मैं ली हूँ शक्कर, मैं थोड़ी सी पनीर बनाई थी ना, पनीर जी थोड़ी सी पनीर की मैं भुंजी बनाई, आधा जो बच्चा है ना उसको मैं वो बना दे रही हूँ गुलाब, सॉरी रसगुल्ला बना दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है पनीर से भी। इसको अच्छे से मैंने हाथ से मसल के चिकना कर लिया, और देखिए इधर चाशनी भी अच्छे से वो बॉयल हो गया है, मैं डायरेक्ट चाशनी में पका लेती हूँ, अगर आप चाहे तो पानी में भी पका सकते हैं, मैं चाशनी में पकाती हूँ। और इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। और देखिए इधर मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को, थोड़ी सी तेल डाली हूँ, थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी जीरा, फिर दो हरी मिर्च, सूखी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल में डाल देंगे। देखिए दाल में डाल दी हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा दाल फ्राई भी बन गया, बहुत ही टेस्टी, झटपट से बन के तैयार हो गया है। इस तरह से मैं बनाती हूँ झटपट से, अगर 30 से 25 मिनट में आप इस तरह से खाना बना के तैयार कर सकते हैं। और इधर देखिए रसगुल्ला भी अच्छे से बन गया है, बहुत ही टेस्टी, इस तरह से देखिए अच्छे से बड़े बड़े फूल गया है, डबल साइज हो गया है। अब हम इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड के लिए खाना लगा दे रही हूँ मैं, ये देखिए दाल भी दे रही हूँ साथ में पनीर की भुंजी, और देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाएंगे ना। फिर साथ में थोड़ी सी रखा हुआ था मिक्सचर उसको डाल दी हूँ, थोड़ी सी परवल भी डाल दे रही हूँ, और देखिए गर्म गर्म मेरे हस्बैंड के लिए रसगुल्ला दे दे रही हूँ मैं, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है ना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खाना